न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रोस्किल हब, गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित मिनर्वा अस्पताल में कल रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चे की मौत हो गई। लेकिन मौत मिनर्वा अस्पताल में नहीं हुई बल्कि दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम से वहां बेहद गंभीर अवस्था में लाने के कारण प्राथमिक उपचार के समय ही डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें, गुढ़हर निवासी शिवम मिश्रा के पुत्र को बुखार हुआ था जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे का इलाज पहले से ही पीकी स्कूल के पीछे निजी चिकित्सालय में डॉक्टर गौरव त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं बच्चे की तबीयत अत्यधिक बिगड़ने पर बच्चे को इलाज के लिए मिनर्वा अस्पताल में उक्त चिकित्सक के साथ लाया गया था, तभी मिनर्वा अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा मृत बता दिया गया था। बता दें, हृदय गति रुकने पर CPR की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी तर्ज में मिनर्वा अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा भी हृदय गति वापस लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि मिनर्वा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई, किंतु इस बात की पुष्टि बच्चे के परिजनों द्वारा अस्पताल में ही मीडिया के सामने की जा चुकी है कि मिनर्वा अस्पताल की कोई गलती नहीं है, सिर्फ अस्पताल की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है। घटना है, आप बता रहे हैं, जो न्यूज़ में चैनलों में चल रहा है, 9:45 बजे की बात है। बाहर से मरीज आया आपके यहाँ, जो कि है ना, हॉस्पिटल से रिफ्यूज करके आया आपके यहाँ। तो उनका कहना है कि यहाँ पे लापरवाही हुई आपके यहाँ। नहीं, इसके बारे में देखिए, ये बात पूरी तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्या है, बच्चे का इलाज किसी निजी चिकित्सालय में 3 दिन से चल रहा था। वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, परिजनों के द्वारा बताया गया कि उनका हीमोग्लोबिन वगैरह 4 करीब था, उल्टी दस्त एडमिट हुए थे, हीमोग्लोबिन 4 था, तो उन्होंने सजेस्ट किया होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, उस बीच में ऐसा परिजनों का ऐसा बोलना था कि उनका डिसेचुरेशन वगैरह हुआ, मतलब ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा कम हुई, मतलब बच्चा डल हो गया, इस तरह का हुआ। तुरंत उन्होंने चिकित्सक को इन्फॉर्म किया, उन्होंने देखा होगा, जो भी कोशिश कर सकते थे उन्होंने वहाँ पे कोशिश की, और स्वयं मानवता के नाते, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो चिकित्सक खुद ही लेके बच्चे को उनके माता पिता के साथ में यहाँ पे लेके आए, जिसका CCTV फुटेज वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, वो सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो 8:59 करीब में वो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में आए। जैसे ही आए, हमने उनमें चेक करके देखा, बच्चे का पल्स रेट, हार्ट रेट और रिस्पायरेशन, मतलब सांस बिल्कुल भी एकदम नील थी, कुछ भी नहीं चल रही थी। तो एक सुप्रीम कोर्ट का और इंटरनेशनल गाइडलाइन है, कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, आपको उसको प्राइमरी केयर तो देना ही है, ना देना गलत हो जाता है। तो हमने एक पुनर्जीवन की एक प्रोसेस होती है, जिसको हम CPR बोलते हैं मेडिकल भाषा में, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन बोलते हैं। तो इमिडिएटली स्टार्ट कर दिया। किस तारीख को ये मरीज आया? कल 11 तारीख को रात के 8:59 में ये घटना हुई है। फिर आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट? इमिडिएटली जैसे ही आए, उनका देखा कि हार्ट रेट, पल्स रेट और रिस्पायरेशन एकदम जीरो है, तो उनका हम इमिडिएटली CPR स्टार्ट किए, उनके परिजनों को इन्फॉर्म भी किया गया, और बच्चे का पूरी टीम ने एक्सटेंसिव CPR किया। नॉर्मली ये 15-20 मिनट का CPR होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा था, तो हमने प्रोलॉन्ग किया CPR को, अराउंड 1 आवर तक ये चलता रहा। फिर परिजनों को इन्फॉर्म किया कि CPR ऐसा नहीं कि 100% सक्सेसफुल ही रहता है ना, वो बच्चे का हार्ट रेट वगैरह कभी वापस नहीं पाया, क्योंकि परिजनों को बताया गया कि अब ज़्यादा कोशिश करना ठीक नहीं है, और उनको बताया गया, तो करीब 10:18 में वो अपने बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया, वो लेके घर चले गए। कितना पैसा? हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये पूरी घटना 10 बजे के बीच में हो गई? हाँ, ये पूरी हो गई। अब प्रॉपर एकदम CCTV फुटेज अवेलेबल है, मैं आपको अभी प्रोवाइड भी कर दूंगा, उसको आने का और जाने का दोनों ही। यहाँ पे जो आप लोगों ने एग्जामिन किया, वो एक रिपोर्ट आई है अभी, अब से करीबन 1 घंटे पहले, शायद जो ब्लड चढ़ाया गया था, तो आपके यहाँ तो चढ़ाया नहीं गया? हमारे यहाँ नहीं चढ़ाया गया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम थी। नहीं, तो उनके जो जिस बच्चे की डेथ हुई, उसके पेरेंट्स आपसे कुछ डिमांड कर रहे थे क्या? आप पे कोई एलिगेशन लगा रहे थे? नहीं, हमारे पर उन्होंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया।
जो भी मीडिया में वो उन्होंने बोला होगा तो उसको शायद एडिट करके ऐसा दिखाया गया कि मिनर्वा अस्पताल में एडमिट थे, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। नहीं तो आप इस पे फिर क्या आप मानहानि का दावा करेंगे जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि सीधे सीधे आपकी गुडविल पे भी इम्पैक्ट हुआ है इसका? नहीं हम करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि मिनर्वा हॉस्पिटल अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए अच्छा काम कर रहा है, और बहुत सी हॉस्पिटलों में जुलसी भी होती है बिजनेस के प्रति? देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी डॉक्टर के लिए कोई भी इमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है इस तरह का, तो उनका सबसे उत्तरदायित्व प्रथम उत्तरदायित्व यही है कि उनको इमरजेंसी उसको हैंडल की जाए, है ना, कैसे भी होता है। अब उसमें सफल हो पाना नहीं सफल हो पाना ये तो आगे का प्रोसेस है ना। लेकिन इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट का लेट गाइडलाइन है कि कोई भी अगर पेशेंट नियर डेथ में या ट्रॉमा इमरजेंसी या इस तरह कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में आता है तो उसको मैनेज करना ही है, ना मैनेज करना गलत है। तो जो काम था वो हमने पूरी ईमानदारी से किया और उनको प्रॉपर उनको समझाया भी सही, उनके परिजनों को बताया भी सही। डॉक्टर साहब जिस कंडीशन में बच्चे को आपके हॉस्पिटल पे लाया गया उस समय बच्चे की कंडीशन क्या थी कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ा? देखिए जब जिस कंडीशन डॉक्टर साहब खुद ही लेके आए उस बच्चे को, उनके क्या नाम है उनका डॉक्टर? डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, उनके ही ट्रीटमेंट चल रहा था, तो खुद ही लेके आए बच्चे को। उन्होंने मानवता की मिसाल शामिल की कि खुद ही बच्चे को जब उनको लगा कि इस तरह की कंडीशन है वो लेके खुद ही आए हॉस्पिटल में। जब हमने एग्जामिन किया तो हार्ट रेट पल्स रेट रिस्पायरेशन एकदम नील था, तो उस कंडीशन में जो करना चाहिए था पुनर्जीवन का जो प्रयास होता है उसको CPR बोलते हैं मेडिकल में, कार्डियोपल्मोनरी रिलैक्सेशन है, वो हमने स्टार्ट किया। बहुत सारी मेडिसिन दी, सब कुछ दिया रिस्पायरेशन के लिए, उसको वेंटिलेशन वगैरह में डाला, ट्यूब दिया, ET ट्यूब डाला, ये सारी चीज़ें की, सारी प्रोसेस किया जो जो प्रोसेस हो सकती है, और एक्सटेंसिव CPR हुआ। ऐसा भी नहीं कि हमने तो कहने का मतलब ये था कि बच्चा पूरी तरह से डेड कंडीशन पे था जब आपके पास आया? हमारे पास में आया तब उसका हार्ट रेट और पल्स रेट नील था, रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं था, बच्चा एकदम फ्लैसिड था, है ना। ये चीज़ें जो डॉक्टर लेके आए थे क्या उनको बताया गया कि बच्चा मूव नहीं कर रहा है? वो तो उनको परिजनों को पता है, वो खुद ही बोल रहे थे, खुद ही। तो ऐसे कैसे आरोप लगा दिया परिजनों ने कि बच्चे की डेथ आपके हॉस्पिटल में वो भी आपके इलाज के दौरान हुई? नहीं ये तो देखिए क्या होता है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन वीडियो एडिट करके दिखाया गया मीडिया में। तो आपका कहना है कि जो यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो खबरें दिखाई गई वो एक तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टर के खिलाफ भ्रामक खबरें थी? अभी तो यही है, इसीलिए हमने इमिडिएटली जो भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको हमने वीडियो फुटेज वगैरह प्रोवाइड कर दी है, बच्चे का एंट्री का और एग्जिट दोनों का ही विद डेट के साथ में, और एक निष्पक्ष रूप से जांच के लिए हमने उनको पुलिस को भी रिक्वेस्ट की कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। हमने पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट भी दी है, हितेन शर्मा जी आके वो पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ऑलरेडी उनको शिफ्ट किया है शाम को। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी यहाँ भी बैठते हैं क्या आपके हॉस्पिटल? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, लेकिन क्या है इस तरह की सिचुएशन में किसी का भी या कोई भी बच्चा या कोई भी है किसी में, तो आदमी अगर अपनी तरफ से एक तरह से मानवता होती है कि तुरंत तुरंत, क्योंकि अपने से भटकते रहेंगे वो, तो खुद ही अपनी गाड़ी में बैठा के वो खुद ही परिजनों को बैठा के बच्चों के माता पिता को बैठा के बच्चे के साथ में खुद ही लेके आए, ऐसा कौन करता है? मतलब किसी को फिक्र होगी वही करेगा, है ना। ठीक, लास्ट सवाल आपसे, कोई भी सफाई देने का कुछ बनता ही नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है, कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में या ट्रॉमा में इस कंडीशन में आता है, तो उसमें किसी भी हॉस्पिटल का या किसी भी चिकित्सक का ये उत्तरदायित्व है कि अपना प्राइमरी केयर दे, ये सुप्रीम कोर्ट का लेट गाइडलाइन है। अगर वो नहीं करता है देन ये गलत चीज़ है, तो हमने वही की, हमारी टीम ने वही प्रोसेस किया, सारी चीज़ें की और वेल इन्फॉर्म तरीके से की और प्रॉपर तरीके से उनको इन्फॉर्म भी किया। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa.